आपका न्यू इंडिया में क्या हो रहा है? आपका न्यू इंडिया में मॉब लिंचिंग होता है, ये आपका न्यू इंडिया। आपका न्यू इंडिया में आज पोलराइजेशन हो रहा है। आपका न्यू इंडिया में दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। आपका न्यू इंडिया में गरीबी बढ़ रही है। आपका न्यू इंडिया में एम्प्लॉयमेंट नहीं है। आपका न्यू इंडिया में रिलीजियस जिंगोइज्म हो रहा है। सुधेंद्र कुलकर्णी ने एक बात किया कि व्हाट डज दिस संघ परिवार वांट। संघ परिवार वांट सेकेंड रिपब्लिक, क्योंकि पहला रिपब्लिक में उनका कोई योगदान नहीं था, पहला आजादी में कोई योगदान नहीं था, ब्रिटिश लोगों को दलाली किया। सर सेकेंड रिपब्लिक का मतलब ये होते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, सबने मिलकर ये देश बनाया। आप जानते हैं इतिहास में क्या लिखा है? हिंदुस्तान की आजादी में एक तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनके साथ आमिर हसन खान सनवाज खान थे। ये हिंदुस्तान आप नहीं मांगते, ये हिंदुस्तान आप नहीं चाहते। ये हिंदुस्तान के लिए सबसे पहले कॉम्प्लीट इंडिपेंडेंट पूर्ण स्वराज की नारा किसने लगाया था जानते हैं? मौलवी हसरत मुहानी, सन 1921। ये हिंदुस्तान की आज जो जय हिंद कहते हैं हम लोग, ये जय हिंद किसने नारा दिया था जानते हैं? आबिद हसन सफरानी, नेताजी की साथ लड़ाई लड़ी थी, उन्होंने ये नारा तय किया, ये सब तय किया, जय हिंद। आजादी की लड़ाई एक तरफ जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसके साथ और कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। आजादी की समय दो गांधी थे, एक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और एक खान अब्दुल गफ्फर खान सीमांत गांधी। अब्दुल गफ्फर खान 95 ईयर्स उनका आयु थी, उस आयु के अंदर 45 ईयर उन्होंने कैद खाना में थे, ब्रिटिश उन्होंने कैद खाना में रख दिया था, उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी। हिंदुस्तान की आजादी के लिए फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस सिपाही भगवत में 29,000 मुसलमानों को दिल्ली की सड़क में ब्रिटिश ने कुचल दिया था, 35,000 आलम शहादत लिए, ये हिस्ट्री है। तो हमारा देश को हम इस तरीके की नहीं पालन कर सके जहां रविंद्रनाथ ठाकुर भी हो और काजी नजरुल भी हो। आज हम ये हिंदुस्तान नहीं मांगते जहां सत्येंद्र बोस और डॉक्टर कलाम हो, हम नहीं चाहते। हम ये हिंदुस्तान नहीं चाहते इसलिए कि वो हिंदू है हम मुसलमान है, ये देश सबने बनाया। ये सरकार कश्मीर से 370 अनुच्छेद हटाई, 50-35 ए भी हटाई, और ये कहकर कि कश्मीर को तरक्की होगी, हमारा हिंदुस्तान में और कोई आतंकवाद ना रहे, ये कहते आए हैं कि कश्मीर तो हमारा आंतरिक मुद्दा है, इंटरनल मामला है। आज क्या रहेगा? कश्मीर इंटरनल मामला है, हम फॉरेन मिनिस्टर से पूछना चाहते हैं। चलो सब, चलो चलो सब चले, कश्मीर हमारा अंग है। आपने कश्मीर को आंतरजातिक मुद्दा बनाया, हमने नहीं। मैं जयशंकर जी को पूछना चाहते हैं, मैं जयशंकर जी को पूछना चाहते हैं कि आप दावे के साथ कह सकते हैं कि कश्मीर इंटरनल मसला है? कश्मीर का साथ कोई इंटरनेशनल मसला नहीं है। आप चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर के बारे में क्या किया आपने? हिम्मत है आपको? हिम्मत है? आप दिन और रात खाली पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, पाकिस्तान तो है क्या? हमारा बीएसएफ पाकिस्तान को हरा सकते हैं, आपका कोई जरूरत नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान 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 डिप्लोमेटिक एसेट को आप इस्तेमाल करते हैं सारे दुनिया को समझाने के लिए। क्या भाई, कश्मीर हमारा आंतरिक मुद्दा है, सीएए हमारा आंतरिक मुद्दा है, आपको तो और कोई काम नहीं, आपको तो और कोई काम नहीं, अफगान पीस प्रोसेस में भाग ले सकते हैं। आप सोचा था कि एक बार सीएए सीएबी लागू कर दे, एनआरसी का बात कर दे, सारे हिंदू एकता हो जाएगा, सारे मुसलमान अलग थलग हो जाएगा और हमारा बस वोट बैंक तुरंत इजाफा होने लगेगा। सबसे बड़ा हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन की जीत है, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की सबसे बड़ा जीत है कि आप चाहते हुए भी आपको पीछे हटना पड़ा, क्योंकि मामला गड़बड़ हो रहा है, आप हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दिया, अभी कैसे संभाले ये आपको चिंता है। आज हिंदुस्तान में और कोई बात नहीं, हमारे रोटी रोजी का बात नहीं होते, उद्योग की बात नहीं होते, शिक्षा की बात नहीं होते, तीन बात होते हैं हर नेताओं को, सत्ता पक्ष के नेताओं को, एक मुसलमान, दो पाकिस्तान, तीन इमरान, ये तीन बातें और कुछ बात नहीं। जिस आप जो कहते हैं ना घुसपैठी आ रहे हैं बांग्लादेश से, अभी बांग्लादेश हमसे आगे चल गया, वो 88 पे पहुंच गया, पाकिस्तान हमारा आगे है, नेपाल हमारा आगे है, हम पीछे रह गया ग्लोबल हंगर इंडेक्स। आप लोग को मॉरल पावर नहीं है, मॉरल पावर नहीं है। आप हम सब जाना चाहते हैं
कश्मीर को हम जाना चाहते हैं, कश्मीर अभी इनएक्सेसिबल हो गया हमारे, हम जाना चाहते हैं, ये कोई हमारा, ये हमारा अधिकार है, क्यों हम जाने नहीं पाते? चलो सब, चलो चलो सब चले, कश्मीर हमारा अंग है। आपने कश्मीर को आंतरजातिक मुद्दा बनाया, हमने नहीं। यहाँ हम जब पूछे थे कि भाई अफगानिस्तान से तो हमारा कोई बॉर्डर नहीं, तो हमारा गृहमंत्री कहते थे कि आपको मालूम नहीं पीओके तो अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है। मैंने कहा हाँ वो तो सही है, तो आप पीओके को कब लाओगे? अभी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहे हैं, इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने के बाद वो जो गिलजीत है, बाल्टिस्तान है, उसमें जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहे हैं गदारपोर्ट तक जाएगा, हमारा हिंदुस्तान की ईस्टर्न फ्लैंक की सिक्योरिटी खत्म हो जाएगी। आप कह सकोगे कि पीओके में चाइना हस्तक्षेप ना करे? एक एक लफ्ज किया आपने, आपने एक बार कहा कि चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर नहीं होने देंगे, कहा। आपका प्रधानमंत्री कहते हैं कि 7 से 10 दिन हमें वक्त चाहिए, हम तबाह कर देंगे पाकिस्तान को। अरे हमारे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1971 साल में 3 दिसंबर से 16 दिसंबर 13 दिन में बांग्लादेश छीन के पाकिस्तान की रीढ़ का हड्डी तोड़ दिया, बहुत पहले तोड़ दिया। आपको जरूरत क्लियर कर दूं, इनके प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री हम सबके सबके देश के। अरे नहीं नहीं सर, हम के हम करे सर, मैं प्रधानमंत्री के बारे में इज्जत करता हूँ। बोलता है सर, वहां से बोलता है सर, इधर से नहीं सर। आपने सर प्रधानमंत्री के बारे में इज्जत करते हैं कि नहीं? मैं जयशंकर जी को पूछना चाहते हैं, मैं जयशंकर जी को पूछना चाहते हैं कि आप दावे के साथ कह सकते कि कश्मीर इंटरनल मसला है? कश्मीर का साथ कोई इंटरनेशनल मसला नहीं है। आप चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर के बारे में क्या किया आपने? अभी चाइना म्यांमार कॉरिडोर में क्या किया? कायस्कू हमारा सीपोर्ट बन रहे हैं म्यांमार में, बे ऑफ बंगाल में हमारा खतरा पैदा हो रहे हैं, नेपाल के साथ चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में हस्तक्षेप कर लिया, नेपाल भी खतरे में आ रहे हैं। इसका मतलब नेपाल के साथ कॉरिडोर, चाइना के पाकिस्तान के साथ कॉरिडोर, म्यांमार के साथ कॉरिडोर। आपने कुछ बताया ये चर्चा में कुछ आई, राष्ट्रपति की भाषण में कुछ आए? हमारे ईस्टर्न फ्लैंक वेस्टर्न फ्लैंक दोनों खतरे में पड़ गए हैं। अगर ये पीओके चाइना जब घुसने लगे, पीओके हैज बिकम अंडर द पोजिशन ऑफ पाकिस्तान एंड इट विल बी ट्रीटेड एज ए फेट कंप्लाई। अब कुछ नहीं कर सकते, पीओके में अगर कुछ करने जाए पाकिस्तान चाइना के साथ आपको टकराव लेना पड़ेगा। आप तैयार है? बताइए आप तैयार है पाकिस्तान और चाइना के साथ एक साथ मुकाबला करने के लिए? तो तैयार है तो क्यों नहीं पीओके का कब्जा कर लेते हैं? आपका यहाँ के चीफ ऑफ आर्मी कहते हैं कि अगर पार्लियामेंट हमें मंजूरी दे तो हम कर लेंगे पीओके कब्जा। 1994 में इसी पार्लियामेंट सर्वसम्मति से हम पारित किया था एक प्रस्ताव, एक रेजोल्यूशन कि पीओके को हमारा कब्जे में लाना चाहिए। आज भी सरकार की तरफ से एक दूसरा रेजोल्यूशन लाया जाए, सरकार की तरफ से दूसरा रेजोल्यूशन लाया जाए कि हाँ चीफ ऑफ आर्मी हम चाहते हैं पार्लियामेंट की तरफ से पीओके को कब्जे में लाओ, हम चाहते हैं। आपको हिम्मत है? आप दिन और रात खाली पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, पाकिस्तान को है क्या? हमारा बीएसएफ पाकिस्तान को हरा सकते हैं, आपके कोई जरूरत नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, यू आर रोरिंग लाइक ए लायन अगेंस्ट पाकिस्तान, बट यू आर व्हिम्परिंग लाइक ए पिग्मी अगेंस्ट चाइना। दिस इज द ट्रेजेडी ऑफ आवर कंट्री। कहिए, यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में दो बार ये मुद्दा उठाया ही नहीं, क्लोज डोर में भी हो लेकिन उठा तो सही। यूरोपियन पार्लियामेंट वहां रेजोल्यूशन ला रहे हैं, सारे दुनिया में ये कश्मीर को लेकर और सीएए को लेकर हमारे खिलाफ आवाज बुलंद हो रहे हैं। इसमें क्या हमारा जो स्टेटस ये नहीं घट रहे? हमारा स्टेटस, हिंदुस्तान की जो स्टेटस वो कमजोर नहीं होते हैं? इसके चलते हमारा प्रधानमंत्री डावोस में नहीं गया आप लोग, हमारा प्रधानमंत्री। और हमारा जो सारे डिप्लोमेटिक एसेट है, ये डिप्लोमेटिक एसेट जीत का मालिक जयशंकर जी है, ये डिप्लोमेटिक एसेट का इससे इस्तेमाल करते सारे दुनिया को समझाने के लिए, क्या भाई कश्मीर हमारा आंतरिक मुद्दा है, सीएए हमारा आंतरिक मुद्दा है। आपको तो और कोई काम नहीं। अफगान पीस प्रोसेस में भाग ले सकते हैं? नहीं। इंडियन ओशन रीजन में
जो रीजनल समस्या है, इंटरनेशनल समस्या है, आप कोई भाग नहीं सकते नहीं, क्योंकि अपना सारे फोर्सेस आपने तैनात कर दिया, सारे डिप्लोमेटिक एसेट आपने लगा दिया सारे दुनिया को समझाने के लिए, भाई कश्मीर हमारा है, हमारा है, हमारा है। CAA हमारा आंतरिक मसला है, क्यों आपको क्यों इससे ज्यादा एग्रेसिव क्यों नहीं देखना पाते हम लोग आज सारे दुनिया में? आप देखिए हमारा डबल हुआमी क्या है, ये हमारा डबल हुआमी है कि कश्मीर पीओके चीन के साथ जाना चाहते और हम कब्जा करने चाहते। चीन आगे निकलते मोरालिटी ग्राउंड में चीन आगे निकल गया और हिंदुस्तान पीछे रह गया, ये हमारा डबल हुआमी है। आप ये स्वीकार करें या ना करें आपका राय है। आपका न्यू इंडिया में क्या हो रहा है? आपका न्यू इंडिया में आज पोलराइजेशन हो रहा है, आपका न्यू इंडिया में दलित के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, आपका न्यू इंडिया में गरीबी बढ़ रहे हैं, आपका न्यू इंडिया में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, आपका न्यू इंडिया में रिलीजियस जिंगोइज्म हो रहे हैं, ये आपका न्यू इंडिया में मॉब लिंचिंग होता है, ये आपका न्यू इंडिया, इसमें मॉब लिंचिंग होते हैं, दलित रिप्रेशन होते हैं और रिलीजियस जिंगोइज्म होता है, ये आपका न्यू इंडिया। कि चाइना के साथ हमारा इतना दुश्मनी रहते हुए भी आप चाइना को 5G कॉन्ट्रैक्ट क्यों दे रहे हैं, जहां अमेरिका ना कर दिया, यूरोप ना कर दिया, ऑस्ट्रेलिया ना कर दिया, कनाडा ना कर दिया, आप 5G को उसका क्यों सुविधा दे रहे हैं? ये हमारा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें खरीदा इसमें अगले दिन इस तरीके की 5G अगर चाइना को मिल जाए तो हमारे लिए बड़ा खतरा पैदा करेगा, इसमें भी आप सोच समझ के कदम उठाएगा। सरकार की जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे सर, उनका काफी नजदीक एक एडवाइजर थे, उनका नाम सर कुलकर्णी जी। सर कुलकर्णी जी एक बात कही सर, सुधेंद्र कुलकर्णी को मैं कोट करना चाहते हैं सर। सुधेंद्र कुलकर्णी ने एक बात किया कि व्हाट डज दिस संघ परिवार वांट, संघ परिवार वांट सेकेंड रिपब्लिक, क्योंकि पहला रिपब्लिक में उनका कोई योगदान नहीं था, पहला आजादी में कोई योगदान नहीं था, ब्रिटिश लोगों को दलाली किया था, ब्रिटिश लोगों को लिए आपने युवाओं को रिक्रूट करने के लिए कहा था, तो उसमें कोई योगदान नहीं था, इसलिए वो सेकंड रिपब्लिक चाहते हैं। तो कोर्ट से निकाल देना, ये सेकंड रिपब्लिक का मतलब क्या होता है सर? सर सेकंड रिपब्लिक का मतलब ये होते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए सर, डी नेशनलाइजिंग ए कम्युनिटी और एटलीस्ट डिमिनिशिंग इट्स प्लेस इन द नेशन इज ए हिडन एजेंडा ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। वो क्या चाहते हैं? दे फोरटेल ए प्लान बाय द संघ परिवार, द आइडियोलॉजिकल फैमिली टू व्हिच द रूलिंग पार्टी बिलोंग्स, टू ट्रांसफॉर्म द इंडियन स्टेट इनटू ए हिंदू स्टेट, इंडियन सोसाइटी फ्रॉम ए हिंदू मेजोरिटी सोसाइटी इनटू ए हिंदू मेजोरिटेरियन सोसाइटी एंड फाइनली द इंडियन नेशन इटसेल्फ इनटू ए हिंदू नेशन। मैं नहीं सर, हो गया, सुधेंदु कुलकर्णी की एडवाइजर की ये बयान है सर। इसलिए आज हिंदुस्तान में संविधान को रक्षा करने के लिए जो संग्राम हो रहे हैं, जो प्रदर्शन हो रहे हैं, जो आंदोलन हो रहे हैं, उसको हम सबको उसको मदद करना चाहिए, क्योंकि वो संविधान को बचाना चाहते हैं। हाँ, मदद करना चाहते हैं हम लोग, संविधान को बचाने की लड़ाई है, ये संविधान की बचाने की लड़ाई है, और उससे डर के मारे आप लड़खड़ाते हुए पीछे हट रहे हैं सर। हम लड़ते रहेंगे आपके खिलाफ, जितना शंका हो जाए हम लड़ते रहेंगे आपके खिलाफ, क्योंकि आप अन्याय कर रहे हैं, देश को विभाजन कर रहे हैं, देश को टुकड़ा करने चाहते हैं, इसके लिए आपके खिलाफ लड़ना वाजिब है। ना संघर्ष ना तकलीफ, मजा क्या है जीने में, बड़ा बड़ा तूफान थम जाएगी जब आग लगी हो सीने में। हमारा सीने में आग लगी है हिंदुस्तान की लोकतंत्र की बचाने का और संविधान खत्म करने की जो साजिश, इसके खिलाफ लड़ने के लिए हमारा सीने में आग लगी है, हम लड़ते रहेंगे। जय हिंद।